हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमने पहले आपको पहली वीडियो में हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला प्रूव कराया था और अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे, इसके न्यूमेरिकल्स पर। तो न्यूमेरिकल्स में मैंने एक पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल्स आपको बता दिया था न्यूमेरिकल। अब ये नेक्स्ट है नंबर टू न्यूमेरिकल्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.57 केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 81 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाउंड व्हेन 5 ग्राम ऑफ ऑक्टालीन C14H12, ये ऑक्टालीन होता है जो ऑर्गेनिक सॉलिड होता है, ठीक है, इज डिजॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब क्या है यहाँ पर, देखिए हमें जो क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है हमारे पास, के बी जो दे रखा है आपका, वो आपको यहाँ पर दे रखा है 2.57 केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स दे रखा है। उसके बाद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, अब जो बेंजीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यानी ये प्योर बेंजीन है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 81 डिग्री सेल्सियस, कितना है 81 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हम 81 डिग्री सेल्सियस कर लेंगे, यानी पीवी नॉट कितना आ गया 81.0 डिग्री सेल्सियस, 81.0 डिग्री सेल्सियस। अब ए सॉल्यूशन फाउंड व्हेन 5 ग्राम ऑफ, क्या है 5 ग्राम ऑफ ऑक्टालीन इज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब वेट पे आते हैं तो W जो हमारे पास W1 है वो कितना है 50 ग्राम, कितना है 15 ग्राम। अब सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉल्यूट हमारे पास ऑक्टालीन है, तो सॉल्यूट यानी कि W2 इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर हमारे पास W2 ये कह रहा है 5 ग्राम, कितना कह रहा है 5 ग्राम। और इसका M2 निकालेंगे तो मोलर मास, तो M2 इसका आएगा 180, कितना आएगा 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल आएगा। अब कैलकुलेशन करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय, ये आपका आएगा यहाँ पर M2 मल्टीप्लाई W1। अब डेल्टा टीबी हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, देखिए टेम्परेचर क्या है हमें यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमने बेंजीन प्योर बेंजीन में हमने सॉल्यूट डाला ऑक्टालीन, तो उन्होंने पूछा है कि आप सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का आपको बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है कि 81 डिग्री सेल्सियस है, 81 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमें क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे तो केवी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, ये आपको देखा 2.57 मल्टीप्लाई W2 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय M2 की वैल्यू 180 मल्टीप्लाई और W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 2.57 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 5 3 एंड यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद 2.5 100/18 मल्टीप्लाई 3, तो डेल्टा टीबी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ये 100 कैंसिल हो गया है, तो 2.57 मल्टीप्लाई 18, यहाँ पे 3 से कट करके देते हैं होता है नहीं, ये कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर 18 3 54, तो डेल्टा टीबी ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा टीबी 4.76 डिग्री सेल्सियस, ये इतना आ जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू आ जाएगा आपका 4.76 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास डेल्टा टीबी है और हमारे पास टीबी नॉट है, तो देखिए हमने बताया था कि डेल्टा टीबी
इक्वल टू टी बी माइनस के टी बी नॉट। तो यहाँ पर डेल्टा टी बी की वैल्यू दे रखी है 4.76 और डेल्टा टी बी नॉट की वैल्यू दे रखी है 81। कितनी दे रखी है 81। तो क्या करेंगे, ए इसको दे ले आएंगे तो डेल्टा सॉरी टी बी इक्वल टू 4.76 प्लस 81। तो टी बी इक्वल टू ये आपका ऐड होके आ जाएगा कितना 85.76 डिग्री सेल्सियस। तो हैंस सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू 85.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक सॉल्वेंट का टेम्परेचर दे देता है और एक बॉइलिंग पॉइंट दे देता है, तो आपसे वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करा लेता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। के भी आपका वाटर का दे रखा है 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ये किस तरीके से है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है जो 1 atmospheric प्रेशर पे कितना होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg, यानी जो प्रेशर लग रहा है, जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर जो टीबी आपका टीबी नॉट होगा वो 99.6 डिग्री सेल्सियस होगा। ये बात समझ में आ गई, 99.6 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अब हाउ मच सुक्रोज, अब हमें कितनी सुक्रोज चाहिए। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर W1 दे दिया है आपका 500 ग्राम जो वाटर है ना, वाटर है। तो वाटर में हम कितना अमाउंट सुक्रोज का मिलाएंगे कि ठीक है, कितना अमाउंट सुक्रोज में मिलाएंगे कि सच दैट इट्स बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में W2 हमें फाइंड करना है, क्योंकि उसने वैल्यू यानी अमाउंट पूछा है हम कितना उसमें आपका सॉल्यूट डालेंगे। ठीक है, कितना सॉल्यूट हम डालेंगे किसमें, सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, वाटर है। तो देखिए वाटर का हमारे पास W1 500 ग्राम है, और यहाँ पर M2 आएगा सुक्रोज का वो 342 आएगा। कितना आएगा, 342 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, इसका आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप मास उसका फाइंड कर देना। ठीक, अब डेल्टा सॉरी टी बी नॉट हमारे पास आ चुका है 99.63 डिग्री सेल्सियस हो गया, और यहाँ पर टी बी जो है आपका कितना है, टी बी कितना है, ये आपका ये रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें देखिए डेल्टा टी बी नॉट और टी बी 100 डिग्री सेल्सियस आ गया है, तो इसमें देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी नॉट माइनस टी बी नॉट माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये टी बी। तो यहाँ पर टी बी नॉट सॉरी टी बी कितना आएगा, टी बी माइनस के टी बी नॉट, ये आपका आएगा 100 माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस, 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से हम करेंगे माइनस, बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका, यह आपका आ जाएगा माइनस करके 100 99.63, यहाँ से कितना जाएगा आपका
हमारा क्वेश्चन था, देखिए तो ये 100 में से मैं माइनस कर देता हूँ तो इसमें आ जाएगा आपका 7 और ये आपका आ जाएगा 3.00, यहाँ पे आ जाएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीवी हमें कितना मिल गया, 0.3 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, आ गया हैं, देखो डेल्टा टीवी आ गया हमारे पास। तो फॉर्मा लगाएंगे डेल्टा टीवी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू टू मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू वन मल्टीप्लाई ये आ जाएगा एम टू डब्ल्यू एम टू कितना आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। देखिए इसमें हमें निकालना है W2 निकालना है, कितना निकालना है W2। तो देखिए W2 का मैं फॉर्मूला बना लेता हूं पहले, यहां से मैं W2 लेके आ रहा हूं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा TB मल्टीप्लाई W1 M2 और ये नीचे KB मल्टीप्लाई 1000। तो मैं डेल्टा TB की वैल्यू रख रहा हूं यहां पर 0.37 मल्टीप्लाई W1 कितना है, देखिए W1 कितना है 5000 कितना है 5000 और आपका M2 कितना है 342 डिवाइड बाय KB की वैल्यू कितनी है, KB की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.52 मल्टीप्लाई 1000। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ जाएगा 120.02 ग्राम, तो ये वेट आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा W2 इक्वल टू 121.02 ग्राम कि हमें सुक्रोज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर पूछा था क्वेश्चन में सुक्रोज कितना डाले, तो इसमें मिलेगा 121.02 ग्राम। नोट करिए, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 का फॉर्मूला होता है, इसका मोलर मास होता है 180 ग्राम। इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए कम पैन एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल, व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल। KB फॉर वाटर 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, तो BP कितना होगा ऑफ प्योर वाटर कितना होगा 3373.15। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पहले देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज जो है ठीक है वो डिसॉल्व हो रहे हैं 1 kg ऑफ वाटर में। ठीक है, तो उसमें जो टेम्परेचर है सोल्यूशन क्या होगा, उस सोल्यूशन का टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता रहा हूं कि W1 दे रखा है 1 kg, 1 kg कितना है, 1 kg क्या है वाटर दे रखा है, कितना दे रखा है 1 kg ऑफ वाटर दे रखा है। और आपका यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, अब देखिए 18 ग्राम ऑफ वाटर यहाँ पर जो M1 दे रखा है वो दे रखा है 18 ग्राम, जो का वेट मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 और गिवन वेट दे रखा है 18 ग्राम, गिवन वेट दे रखा है 18 ग्राम। तो यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर लूंगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो ये गिवन वेट आपका कितना रखा है इसमें 18 ग्राम अपॉन 180, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/10 यानी 0.1 मोल आ जाएगा यहां पर। तो एन आपका कितना आ जाएगा, एन सॉल्यूट ये आपका आ जाएगा 0.1 मोल। तो मोलरिटी कितनी आ जाएगी, देखिए मोलरिटी क्या होती है सॉल्यूट अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका
डब्ल्यू इन के जी। तो हमारा डब्ल्यू दे रखा है, डब्ल्यू आपका किस में दे रखा है, के जी में दे रखा है, और ये नंबर हमारा कितना 0.1/1 kg। तो ये डिवाइड हो जाएगा तो एम कितना आ जाएगा 0.1 mole/kg। तो एम आ जाएगा 0.1 mole/kg आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे चलते हैं, एम आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो एम आ गया है तो फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा, ठीक है। तो ये है डेल्टा पी बी इक्वल टू एम के बी मल्टीप्लाई एम, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम डेल्टा डी बी निकालेंगे, तो यहाँ पर के बी की वैल्यू डेल्टा टी बी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी बी आ जाएगा, के बी की वैल्यू 0.52 मल्टीप्लाई एम की वैल्यू 0.1 तो आ जाएगा 0.052 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी बी की वैल्यू, ओके। तो के बी फॉर वाटर हमने कर लिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना जगह कैलविन में दे रखा है, कितना दे रखा है कैलविन में, तो 373.15 कैलविन दे रखा है आपका, ठीक है। तो ये सेल्सियस में हो गया। अब हम निकालेंगे इसमें कहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दे रखा है 373.15 कैलविन दे रखा है, और यहाँ पर हमसे पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर विल दी सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का करना है। तो हमारा फॉर्मूला बताया कि डेल्टा टी बी कितना होगा, ये डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस के टी बी नॉट, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस के टी बी नॉट। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको मैं कैलविन में चेंज कर दूँ तो यह आ जाएगा 273.052 kelvin। अब 273.052 इक्वल टू हमें किसका पूछा है, यहाँ पर पूछा व्हाट टेम्परेचर सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का हमारे पास टी बी ये आ जाएगा आपको कितना 0.0। तो टी बी नॉट हमें यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये आपका आ गया 373.15। यहाँ पर एक कैल्विन में करिए आप, ये कैल्विन में आएगा तो ये यहाँ पर 0.052 कैल्विन में रहेगा, ठीक है 0.052 कैल्विन, और टी वी आपका हो जाएगा 373.15 + 0.052। तो ये आपका आ जाएगा इसको ऐड करने के बाद में 5, इसको ऐड कर लेना, इसको आंसर आ जाएगा आपका ये यहाँ पर आपका टी वी निकल जाएगा, यानी कि टी वी यानी टेम्प आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर आ जाएगा आपका, सॉरी आपका आ जाएगा व्हाट टेम्परेचर विल दी सॉल्यूशन, इसका आंसर आ जाएगा आपका 373.202 kelvin। तो यहाँ पर ये हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट हम कराएंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।